यूट्यूब ब्लॉग फलाना फलाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं बात करने जा रही हूँ मोहो के बारे में। मो, यू नो मो, यू नो व्हाट इज़ मो? मो इज़, व्हाट इज़ मो? मो इज एक्चुअली आई लव मो माया, यू नो दैट। सो मो जो होता है, मो वो आपको आपकी सीमाओं से बाहर जाने के लिए रोक देता है। और अगर आप कुछ करना भी चाह रहे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उस मो के चक्कर में। और अगर मैं कहूँ कि आप बियॉन्ड द लिमिट्स जा सकते हैं तो उसके लिए आपको अपना मो तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। नॉट मो, इट्स मो। मो तोड़ना पड़ेगा आपको। तो वो मो आप कैसे तोड़ोगे? ये मो जो है वो किसी से भी हो सकता है, किसी इंसान से, किसी वस्तु से, किसी खाने से, किसी जगह से, मतलब किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद का मोह तोड़ना पड़ेगा, तब आप जाके थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। और दूसरों का जो मोह है आपके प्रति, वो भी आपको ख़त्म करवाना पड़ेगा। जस्ट लाइक इंडियन पेरेंट्स, उनका जो मोह है अपने बच्चों के प्रति वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उनको मतलब कभी समझ नहीं देते कि वो क्या कर सकते हैं, या फिर अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट नहीं करने देते, ना ही वो कुछ हमें बियॉन्ड दी लिमिट्स जाने दे सकते हैं कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं अपने पैशन को या काम को या कुछ लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ कर रहे हैं। वो भी नहीं वो आपको करने देंगे, क्योंकि यू नो उनका मोह है आपके साथ। या तो वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे, या आपको काम नहीं करने दे पाएंगे, या फिर अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, या फिर आपकी मर्ज़ी से सहमत नहीं होंगे। तो जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को एक टाइम के बाद छोड़ दें उनके हालात पे। और ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें, मतलब थोड़ा सा तो ध्यान दे सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि वो थोड़ा सा उनको टाइम लिमिट दें, और मतलब छोड़ दें कि चाह तो अपना बेस्ट कर ले जो कर सकता है। तो इसी के साथ मेरा मोह वाला टॉपिक ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से कोई टॉपिक लेके आती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है? तो डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दविष्का चैनल। और आज का संभावना का व्लॉग देख लिया क्या? मैंने भी नहीं देखा, मैं जाके देखती हूँ अभी। बाय।